हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है, एरर फीडबैक रिक्वायर्ड, तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर आईफोन यूज़र्स को देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम ऐप को क्लोज़ कर देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पे ना आपको एक सेटिंग्स देखने को मिलेगी जनरल, तो आपको जनरल पे क्लिक करना है। नीचे आपको जाना है, रीसेट पे आपको क्लिक करना है। डरना नहीं है, यहाँ पे मोबाइल रीसेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पासकोड डालना है, सेटिंग को रीसेट कर देना। तो अभी ये मैं आपको लाइव रीसेट करके नहीं दिखा सकता हूँ, आपको ये कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको नीचे इंस्टाग्राम ऐप को सेलेक्ट करना है। इंस्टाग्राम ऐप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपकी जो परमिशन है ऑफ है तो आपको इन्हें ऑन कर देना है। सारी परमिशंस को ऑन कर देना है, जैसे कि मेरी ऑन है तो आपको इन्हें ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है और एक बार आपको क्या करना है, आपको अपने नेटवर्क को स्विच करके देख लेना है। अगर आप वाईफाई से लॉगिन कर रहे हैं तो आपको किसी और के वाईफाई से एक बार लॉगिन करके देखना है। अगर आप अपने डेटा से लॉगिन कर रहे हैं तो आपको किसी वाईफाई से कनेक्ट करके देख लेना है, मतलब आपने इंटरनेट को स्विच कर लेना है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाना है। उसके बाद आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है। ये जो ट्रिक है वो वर्क करेगी, पर गाइस अगर ये ट्रिक वर्क नहीं करती है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे। जाने के बाद आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को जो है अपडेट कर लेना, देख लेना है कहीं आपका इंस्टाग्राम अपडेट के लिए तो नहीं है। तो अगर आपका अपडेट के लिए तो आपको उसे अपडेट कर लेना है, इसे आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो अभी मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है इस वजह से, तो यहाँ पे ना ये रहा इंस्टाग्राम, आपको अपडेट कर लेना। तो अभी मेरे फ़ोन में ना MB नहीं है तो मैं आपको लाइव अपडेट करके नहीं दिखा सकता हूँ, आपको इसे अपडेट कर लेना। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। पर गाइस ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर इनसे अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो लास्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि 101% वर्क करेगी। आपको क्या करना है, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर तब देखने को मिलती है जब आप अपनी आईडी को बार बार लॉग इन लॉग आउट करते हैं या फेक फॉलोअर्स बढ़ाते हैं तो इंस्टाग्राम जो है आपको लॉग इन करने नहीं देता है। तो अगर आप बार बार लॉग इन लॉग आउट करते हैं या 4 या 10 फ़ोन में लॉग इन करके रखते हैं आईडी को, तो उन सारे फ़ोन से लॉग आउट कर दो, एक ही फ़ोन में लॉग इन करके रखो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और आप फेक फॉलोवर बढ़ाते हैं तो ये भी आप बंद कर दो, क्योंकि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, आप फेक फॉलोवर से फेमस नहीं होने वाले हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को यूनइंस्टॉल कर देना। उसके बाद आपको 48 घंटे बाद आपको फिर से इंस्टॉल करना है और आपको आईडी लॉगिन करना है, आपकी आईडी जो है लॉगिन हो जाएगी। तो गाइस ये जो लास्ट में मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो 101% वर्क करेगी। आप ट्राई कीजिए, 48 घंटे बाद आपको फिर से इंस्टॉल करना है ऐप को, उसके बाद आपको अपनी आईडी लॉगिन करना है, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे भी ना प्रॉब्लम आ रही थी, कल मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो अभी जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वो सक्सेसफुली लॉगिन है, इसी आईडी में मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी और अब ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो तो देख सकती है, वो लॉगिन है तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुकी है पहले, तो मैंने बनाना चाहिए। तो जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम को फिक्स किया तो वही एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।